से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा। आइए जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी कुछ बातें और तथ्य। जगन्नाथ जी की यात्रा तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आप जानते हैं कि इस विशाल और अद्भुत यात्रा के पीछे बहुत सारी कहानी जुड़ी है। साथ ही ऐसे कई रहस्यमयी और रोचक तथ्य भी है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए आज हम रथ यात्रा और उससे जुड़े कुछ बातों के बारे में जानते हैं। हर साल देश भर में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भगवान जगन्नाथ जी की रथ का दृश्य बड़ा ही मनोरम और सुखद होता है। प्रत्येक साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से 10 दिनों का रथ यात्रा शुरू होता है और 11वें दिन इसका समापन हो जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होते हैं। लोगों की अटूट श्रद्धा और भक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। आइए आपको भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें बताते हैं। उड़ीसा का पुरी मंदिर 800 वर्ष पुराना है, जहां भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं कास्ट की है और इन तीनों की तीन अलग अलग रथ भी होती है, जिसमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इनके रथों को उनकी ऊंचाइयों से पहचाना जाता है। साथ ही सभी रथों के नाम भी होते हैं, जिसमें बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद रथ कहा जाता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं। सभी रथ नीम की कास्ट यानी लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान एक आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह रथ मजार पर रुकती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल माना जाता है कि एक सालबेग नाम का मुस्लिम व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसे भगवान जगन्नाथ में बहुत आस्था थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने अनन्य भक्त को सपने में आकर दर्शन दिए। अपने प्रभु के दर्शन पाते ही सालबेग ने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, तभी नगर भ्रमण के दौरान रथ का पहिया अचानक मजार के सामने आकर रुक गया। तब यात्रा के दौरान सभी हजारों लाखों लोगों की भीड़ ने सालबेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद ही रथ नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ा। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है।